हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन माय चैनल फंस गार्डनिंग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने लाइफ को बिल्कुल अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मार्च ख़त्म होने वाली है और अप्रैल अब धीरे धीरे शुरू होने वाला है और हमारे गार्डन में रोज़ की फ्लावरिंग बिल्कुल यूँ ही कंटिन्यू रहे जैसे विंटर में रहती है। उसके लिए कुछ जो बातें हैं आज हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक इसलिए देखिएगा क्योंकि जो मैंने आपको बताया था न्यूज़ की, मैं लास्ट में आपको एक बहुत ही अच्छा फैक्ट जो है प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप मेरे इस प्लांट को देख लीजिए, आपको कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। ये अप्रैल की फ्लावरिंग है, मार्च की फ्लावरिंग है, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है प्लांट में। काफ़ी ढेरों सारे बर्ड्स भी हैं इसमें बंच में और प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, ढेरों फ्लावर से ये भरा हुआ है। और आप ये देख लीजिए, ये काफ़ी ढेरों सारे स्वीट से फ्लावर्स आ रहे हैं, बिल्कुल बंच पे फ्लावर, काफ़ी सारी जो है वो बर्ड्स भी हैं। और जो फ्लावर्स मैंने कट किया था, आप देख रहे हैं नए नए स्टिम्स भी आ रही हैं, इसमें से नई नई ब्रांचिंग हो रही है और नए नए बर्ड्स के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ऑरेंज रोज मैंने आपको दिखाया था और इसमें भी काफ़ी सारी से बडिंग हो रही है। फ्रेंड्स, गर्मियों में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है रोज़ प्लांट में वाटरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना। रोज़ प्लांट को वाटरिंग बहुत पसंद है तो हम वाटरिंग अपने रोज़ प्लांट में अभी के सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अगर आपका प्लांट सेमी शेड में या धूप में है तो आपको 2 से 3 बार सुबह शाम दोपहर वाटर देने की ज़रूरत है। और अगर आप अपने प्लांट को ग्रीनेट में रखते हैं तो आप एक टाइम भी वाटर देंगे तो काम चल जाएगा। और प्लांट को सावर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सावर देने से प्लांट रोज़ का काफ़ी हेल्दी रहता है और इस पे जो फंगस अटैक वगैरह आने की चांसेस भी कम हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें अभी कुछ दिन पहले जो पेस्ट के अटैक आए थे, अभी मैंने इस पे इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे किया तो ये अभी प्लांट मेरा वापस से ठीक हो चुका है ना। तो इस पे अभी जो गर्मियों में है काफ़ी सारे पेस्ट अटैक रोज़ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको अपने प्लांट में एक बार तो कम से कम इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे कर देना है। फ्रेंड्स, अगर आप देखते हैं कि आपका ये जो हेल्थ, आप लीव्स देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी हेल्दी है और आप देखते हैं कि आपके लीव्स में यूँ पीछे से या आगे से पूरा रेड कलर के जो है थिप्स अटैक करके उसको ख़राब कर चुके हैं। और ऐसा लगेगा आपको कि आपका प्लांट पानी के कम होने की वजह से सूख रहा है, पर वो जो है रेड स्पाइडर माइट्स के अटैक की वजह से होता है जो पूरे प्लांट को यूँ जला देते हैं और पौधा पूरा मरा खराब हो जाता है। उससे बचने के लिए भी आपको एक बार मार्केट से स्प्रे लाके, कोई भी स्प्रे आप ला सकते हैं, केमिकल स्प्रे एक बार स्प्रे आप कर दीजिए, इससे आपका प्लांट जो है वो हेल्दी हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ नाम दे दूंगी केमिकल्स, फर्टिलाइज़र और उससे किस चीज़ के प्रिवेंशन के लिए है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि बताने में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे जो है फंगीसाइड्स वगैरह होम पे प्रिपेयर करना बनाया, आप उनका भी यूज़ एक बार स्प्रे कर सकते हैं। और रोज़ प्लांट को अभी जो है काफ़ी ढेरों सारे कंपोस्ट की ज़रूरत होती है तो आप अपने प्लांट में हर हफ्ते में एक बार आप अपने प्लांट को कम्प्लीटली काफ़ी अच्छे से फीड कीजिए। गोबर की खाद हुई, मैंने प्याज से बनाने वाला एक कंपोस्ट आपको बताया था, आप उसको भी डाल सकते हैं हर हफ्ते 4-5 चम्मच जैसे मैंने आपको बोला था। और गोबर की खाद में आप थोड़ा सा बोन मील मिला के डालेंगे तो कैल्शियम की डिफिशियंसी कम हो जाएगी। अगर आपके पास बोन मील नहीं है तो हफ्ते में 1 चम्मच जो है आप दूध ले लें, 2-3 चम्मच दूध को 3-4 लीटर में मिक्स कर लीजिए और फिर अपने सारे रोज प्लांट में थोड़ा सा स्प्रे और थोड़ा सा उसको जड़ों में भी दे दीजिए तो काफ़ी अच्छी सी आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। कैल्शियम की डिफिशियंसी आपके प्लांट में नहीं आएगी। कैल्शियम की डिफिशियंसी को मैंने आपको बताया था, आपको कैसे पता चलेगा, इस तरीके से आपको हमें अपने रोज़ प्लांट को इस गर्मियों में फीड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी मैंने आपको बता दिया, नहलाना है रोज़ प्लांट को, जितना अच्छी फ्लावरिंग करेंगे आप उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगा। और एक
सीक्रेट जो आपको मैं बताने वाली हूँ, अब मेरे रोज़ प्लांट कितने हेल्दी होने का जो है वो ड्रेनेज जो है आपके प्लांट का जो पोट है उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे आपने पानी डाला वैसे ही पानी नीचे से फ्लो करके निकलना चाहिए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं जैसे इसमें पानी डालती हूँ नीचे से, किस तरह से आपको पोट से पानी निकलते हुए दिखाई। ये देखिए मैंने एक मग पानी डाला था इसमें और ये धीरे धीरे से ड्रेनेज होल से पानी निकलना शुरू हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आपके पोर्ट का भी ड्रेनेज अगर प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर कर लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन को ड्रेनेज बहुत ज़्यादा पसंद है और ऑक्सीजन पास होता है उससे रोज़ को ड्रेनेज बहुत पसंद है, तो वो काफ़ी अच्छी सी ग्रोथ करता है उस कंडीशन में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और रोज़ का जो मैं न्यू प्लांट लाई हूँ अपने गार्डन में, सोचा वो भी आपको दिखा दूँ। तो चलिए पहले वो भी देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी हेल्दी सा, मैंने अभी कुछ 5-6 दिन पहले इस रोज़ को खरीद के लाया। ये क्लाइंबिंग रोज़ है, इसे कॉमनली से लोकल लैंग्वेज में हजारा भी बोल देते हैं लोग, पर ये क्लाइंबिंग है या बटन रोज़ है और काफ़ी अच्छी सी इसकी ग्रोथ है। और ये मुझे ज़्यादा कॉस्टली नहीं, केवल 80 रुपीज़ में इसका कॉस्ट मुझे पड़ा है और काफ़ी ढेरों सारे बंच में इसमें फ्लावरिंग अब होने वाली है। और एक और ये प्लांट है फ्रेंड्स जो मैंने अभी कुछ दिन पहले खरीदा, दोनों को प्लांट को मैंने एक ही दिन खरीद के लाया था 3-4 दिन पहले, तो ये बहुत वीक प्लांट था तो ये अब हेल्दी हो रहा है धीरे धीरे। इसमें एक भी लीव्स नहीं थी, एक लीव्स था, एक फ्लावर था, मुझे फ्लावर काफ़ी अच्छा लगा, पर्पल सेड में था इसलिए मैंने इस प्लांट को लेना सोचा। तो ये अब धीरे धीरे हेल्दी हो रहा है, इसका कॉस्ट मुझे ज़्यादा नहीं पड़ा क्योंकि हेल्दी नहीं था ये, तो 40 रुपीज़ में मैंने मुझे दे दिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको हमें ज़रूर कमेंट में सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने रोज़ प्लांट मेरे ढेरों सारी गर्मियों में भी फ्लावर ले सके। तो चलिए फ्रेंड्स, किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई केयरिंग टिप और नए इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था ना कि मैं अपने हर वीडियो के बाद में आपको एक बहुत अच्छा सा और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा प्लांट के बारे में फैक्ट बताऊंगी, तो दिस इज़ द टाइम फॉर द फैक्ट। आज का हमारा फैक्ट ये है फ्रेंड्स, कि आप जानते हैं कि हमारे प्लांट क्लासिकल म्यूज़िक सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं अपने प्लांट में सडन ग्रोथ पाना, तो अपने प्लांट को क्लासिकल म्यूज़िक यानी कि शास्त्रीय संगीत सुनाना शुरू कीजिए और फिर उसका रिजल्ट अपने आँखों से अपने घर पर आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा फैक्ट ये रहा। जिसको ये फैक्ट अच्छा लगा हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। Thank you.